गाइस आज हम लोग चेंज करने वाले हैं हमारे एयर कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर। एक कॉन्टैक्टर है एसी 415 वोल्ट का, पहले वाला पुराना कॉन्टैक्टर, अब हम उसको जैसे था वैसे निकालेंगे। निकालने का काम करेगा महफूज। अब आप देखिए जो रिले का 3 पिन रहता है वो हमारा T1, T2, T3 के साथ जॉइंट रहता है, और मैं ओवरलोड रिले को कॉन्टैक्टर से अलग कर दिया हूँ। जो कॉन्टैक्टर में मेन पावर आया है उसे मैं अलग कर रहा हूँ, L1, L2, L3। जो कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई दिया हुआ है 415 वोल्ट उसे मैं अलग कर रहा हूँ। कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई दे दिया 415 वोल्ट, और कॉन्टैक्टर के मेन टर्मिनल L1, L2, L3 पे मेन सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। कॉन्टैक्टर का कॉइल A1 टर्मिनल L1 से लूप किया हुआ है। जैसे जैसे वायर को खोला है वैसे वैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। गाइस हम लोगों ने गलती कर दिया, उल्टा आ गया है, तो इसलिए ये वीडियो को हमको इधर ही कट करके नया वीडियो बनाना पड़ेगा। गाइस हम लोग ये ओवरलोड रिले किस लिए यूज करते हैं ये अभी मैं कुछ बताएंगे। गाइस इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है, यह मोटर में गुजरने वाले करंट को सेंस करता है, और अगर हमारी मोटर रिले पर सेट करंट से ज़्यादा करंट लेता है तो वो LR सर्किट को ट्रिप करा देता है। कॉन्टैक्टर को उसी जगह पे फिक्स कर दिया हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा ओवरलोड रिले और कॉन्टैक्टर कनेक्शन हो गया है, अभी हम मोटर चालू करने वाले हैं। सो गाइस रेडी हो जाए,